भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जीवन में जो होता है किसी वजह से ही होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। गन्ने से बेहतर कौन जान सकता है कि मीठा होना कितना खतरनाक होता है। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है, प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो वे एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे। एक दूसरे में घृणा की भावना पैदा कर दृष्टि के विनाश का कारण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो काफी नुकसान होता है। गुस्सा हमें आता है मगर उसे हम उतारते किसी और पर ही है, जिससे दोनों के बीच बुराई की भावना आ जाती है। इसलिए क्रोध को सदा ही खराब माना जाता है। व्यक्ति को यदि किसी बात पर क्रोध आ भी रहा होता है तो उस बात को शांतिपूर्वक सुने, समझे व स्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ही जरिया नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होता ना ही सुधार होता है। क्रोध से तो सब कुछ बर्बाद ही हो जाता है। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है कि कोई नशा हो या कोई इंसान हो, अग्नि की आदत लग जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी दुनिया से ही नफरत हो जाती है। किसी और को क्या बुरा समझना, बुरे तो हम हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद में हमें खुशी नहीं मिल सकती। ये कभी नहीं समझ सकते कि कौन किस दर्द से और कब गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का भी दिल मत दुखाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि ईश्वर सब देख रहा है। समय की एक अच्छी बात होती है कि समय जैसा भी हो गुजर ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त ही अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना और अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीदें रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग भला कहां साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, इससे आप अपने जीवन में खुद को मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी भी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको मूर्ख और कमजोर समझने लगते हैं। उसी को दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो और इरादों का पक्का हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति देता है। दर्द जरूर होता है मगर थोड़ी ही देर, मगर फायदा जिंदगी भर का हो जाता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, उसे ही आप अगर दूसरी बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो, मगर तीसरी बार भी अगर आप उसे माफ करते हो तो आप बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी हम उसे खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपने सोच पर ध्यान दीजिए। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते जाते ही रहते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेगी, उसी प्रकार जिस प्रकार गायों की भीड़ में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने वाला और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ आना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। स्वयं पर कभी भी घमंड मत करना, भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर
अगर ईश्वर ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे दोगुना वो देने वाले हैं। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की भी क्या उपाय। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, मगर बड़ा आदमी छोटी सी बात पर ही औकात दिखा जाता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, पर आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसी की वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास सदा करते रहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ ध्यान अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का ही सर्वनाश कर देता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जो भी कार्य उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा कीजिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही उसके दुख व असफलता का कारण बनती है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध व दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपना ध्यान कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। एक सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। पाप करने के लिए मनुष्य विवश क्यों हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी प्रकार काम लोभ वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों से चलते मान व पाप करने के लिए मनुष्य विवश हो जाता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।